सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि उससे ही आपको न्यू वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। फेस को मॉइस्चराइज करने के बाद आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। ये एलोवेरा जेल लगाने से क्या होता है, आपका जो मेकअप होता है बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और आपकी स्किन भी बहुत स्मूथ दिखती है। तो अगर आपको ये सूट करता है एलोवेरा जेल, तो आप जरूर लगाएं। तो मैं थोड़ा सा इसे लगाऊंगी अपने फेस पे। तो अब हमारा फेस रेडी हो गया है मेकअप के लिए। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। आप कोई भी बीबी क्रीम या सीसी क्रीम कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास बीबी क्रीम सीसी क्रीम नहीं है तो आप फाउंडेशन भी लगा सकते हैं। तो ये सब ये आप पे डिपेंड है, आप क्या लगाना चाहें, जो आपकी स्किन को बहुत अच्छा सूट करता है आप वो चीज लगा सकते हैं। फिर अपने आप हाथों की या फिंगर की मदद से इसको फैला सकते हैं। मैं यहाँ पे ये ब्रश ले रही हूँ, तो नीचे की तरफ ऐसे ऐसे करते हुए आपको के बाद आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मत लगाएं, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकते हैं। बट आप थोड़ा सा टचअप दे सकते हैं, तो मैं हल्का सा लगाऊंगी, क्योंकि जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है वो आपकी जितना भी फेस पर ऑयल होता है उसे सोक कर लेता है और एक ब्लर्ड सा इफेक्ट आता है। तो थोड़ा सा टचअप दे रही हूँ। अब इस स्टेप के बाद आई मेकअप करेंगे। तो आई मेकअप अगर आप दिन में आई मेकअप कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा डार्क कलर्स में ना जाएं, बहुत ही हल्के नेचुरल कलर्स रूट कलर्स यूज करें आईज के लिए, जो स्किन पे लाइट हो, हल्का सा डेंस इफेक्ट भी दें और खूबसूरत भी लगे और ज्यादा ओवर भी ना लगे और साथ ही में खूबसूरत एक अच्छा इफेक्ट आए। अगर आप फेयर गोरे हैं, फेयर कलर है आपका, तो आप कोई भी ब्राउन शेड ऐसे न्यूड शेड्स में कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। सब दिन में सूट करेंगे आपको, इसमें से आप कोई भी लाइट शेड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहते कि ज्यादा देर तक हो रहे तो आप थोड़ा सा, आपके पास अगर बीबी क्रीम है तो बीबी क्रीम लगा सकते हैं आईलिड पे। अगर आपके पास सीसी क्रीम है या फाउंडेशन है या फिर कंसीलर है, इन तीनों चारों चीजों में से आप कोई भी चीज आईलिड पे लगा लीजिए, उसके बाद आप आई का मेकअप करिए तो अच्छा, एक तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है और वो चलता भी ज्यादा देर तक है। शेडो इफेक्ट लाने के लिए आपको कम से कम मिनिमम 3 कलर यूज करिए। आपका जो ये क्रीज एरिया होता है, जो ये क्रीज होते हैं जहाँ से आपकी सिल्वटे से आती हैं जब आप आंखें ऊपर करते हैं, तो वो जो एरिया है वो हल्का सा, उस एरिया में हल्का सा डार्क शेड चलेगा और एंड की आंखों की साइड में आप थोड़ी स्मोकी इफेक्ट के लिए डार्क शेड डाल सकते हैं। बीच में कोई ग्लिटरी या लाइट शेड डालेंगे तो बहुत अच्छा। ये लाइट एकदम शेड है, ये क्रीज, ये सबसे पहले ये लगाऊंगी, ये वाला शेड। और ये मैं क्रीज एरिया में लगा रही हूं। सबसे पहले मैंने ये वाला शेड लगाया
आंखों की साइड में एंड में कोई भी डार्क शेड ले सकते हैं। तो मैं हल्का सा ब्राउन शेड लेती हूँ जो ब्राउन कलर है। मेरा आईलाइनर लग गया है, अब मैं लगा रही हूँ काजल। काजल के बाद हम आईब्रो को शेप करेंगे। आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप कुछ फंक्शन में जा रहे हैं तो आप हल्का सा ब्लश लगा सकते हैं। और मुझे नहीं लगता दिन में कॉन्टोरिंग की जरूरत होती है, तो कॉन्टोरिंग आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, अगर आपको कॉन्टोरिंग पसंद नहीं है तो आप सिर्फ ब्लश लगा सकते हैं। ये मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लश है, थोड़ा सा लेके लगाना है। तो ब्लश हो गया है, और चाहे तो आप हाइलाइटर भी लगा सकते हैं। बट हाइलाइटर आई थिंक दिन में इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन आप रात में लगा रहे तो रात में ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो आप हाइलाइटर स्किप कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो लगा सकते हैं। बट मैं लेट मी ट्राई कि दिन में कैसा दिखता है हाइलाइटर। हल्का सा हाइलाइटर जो होता है वो ग्लोई इफेक्ट देता है आपके फेस को। छोटे ब्रश से आप हाइलाइटर को अपने ब्राउ बोन के पास लगा सकते हैं। तो आई थिंक दिन में भी हाइलाइटर अच्छा दिख रहा है, तो आप हाइलाइटर दिन में भी लगा सकते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है काफी। लास्ट में लिपस्टिक लगा के आप मेकअप को फिनिश करो। तो आखिर में मैं कलर बार की रेड लिपस्टिक लगा रही हूँ, ये है हॉट 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 शेड, जो मैंने आपको पहले भी शायद दिखाया है। और हाँ, मैं लास्ट में मस्कारा तो हमेशा मैं भूल ही जाती हूँ। मस्कारा लगाना ना भूले, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा आपके आईलैशेस को लुक देता है। दिन में फॉल्स लैशेस इतने अच्छे नहीं दिखाई देते हैं, बट मस्कारा आप जरूर लगाएं। और लिपस्टिक में आप, ये आप पे डिपेंड है, मैंने रेड लगाई, आप रेड भी लगा सकते हैं, या फिर आपको कोई न्यूट्रल शेड या नूड शेड पसंद है तो दिन में नूड शेड भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। आपको आपके ऊपर जो कलर बहुत सूट करे आप वो लगा सकते हैं। हमारा मेकअप हो
Thanks for watching and take care everyone. Bye.